सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। अभी यहाँ पे लाइव आने का मतलब एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए, इसलिए मुझे यहाँ से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय से संबंधित एक बहुत 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 ही बड़ी अपडेट आपके विश्वविद्यालय के लिए, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़, आप अपने तैयारी के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन न्यूज़ बहुत बड़ी है। वो न्यूज़ ये है दोस्तों कि अवध विश्वविद्यालय ने आपके बीएड और एमएड का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ, आपकी परीक्षाएँ दोस्तों 8 अगस्त से कराई जाएंगी और बिना किसी गैप के 8, 9, 10 लगातार पेपर है। विश्वविद्यालय ने फाइनली आपके बीएड की डेट शीट जारी कर दी और इस तरीके से आपका एग्ज़ाम डेट शीट यहाँ पे जारी हो गया। कैसे डाउनलोड करेंगे आप, कैसे पढ़ेंगे, इन चीज़ों को देखिए यहाँ पे। और मुझे इसीलिए जल्दी में यहाँ पे बैठ के पार्क में वीडियो बनाना पड़ रहा है, घर जाने का भी मौका नहीं मिला। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन स्कीम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रुको, ऐसे भी झटका मिल चुका है हमें, और झटका मत दो। तो आप देखेंगे एमएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2023 एग्जामिनेशन स्कीम, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2023। इसको ज़रा स्लाइड करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और आपका पेपर यहाँ पे खुल गया। आपका डेट शीट यहाँ पे आ गया कि 8 अगस्त से आपका पहला पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम मॉर्निंग शिफ्ट में। तो 9 तारीख को दूसरा पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट मॉर्निंग शिफ्ट में, 10 तारीख को तीसरा पेपर, और अगर किसी का संस्कृत और कॉमर्स है तो 11 को, 12-13 को संडे की छुट्टी, 14-16-17-18 इस तरीके से आपका फाइनली एग्ज़ाम शीट यहां पे आ गया और इस तरीके से आपको पूरा एग्ज़ाम देना है। ये हो गई बात फर्स्ट ईयर की। चलिए बात कर लेते हैं अगर सेकेंड ईयर की। दोस्तों, सेकेंड ईयर भी आप देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर का आपका एग्ज़ाम डेट शीट यहाँ पर आ गया है। 8, 9 और 10 तीन दिनों में आपकी पेपर ख़त्म, 10 के बाद पेपर ख़त्म। जाइए, आज़ादी दिवस मनाइए, स्वतंत्रता दिवस मनाइए 15 अगस्त को, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से। तो दोस्तों, इस तरीके से बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेट शीट जारी कर दिया यूनिवर्सिटी ने। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। मैं खुद बड़े आराम से वीडियोज़ बना रहा था आपके लेक्चर्स की वीडियोज़, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे और तेज़ी करना पड़ेगा, इसमें और जल्दी करनी पड़ेगी। तो डेफ़िनेटली उसके लिए आप ना घबराइए, मैं पूरी मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं वीडियोस बना सकूँ, और डेफ़िनेटली मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊँगा। आप अपने तरीके से सेल्फ स्टडी ज़रूर करिएगा, अपने तरीके से दोस्तों ज़रूर स्टडी करते रहिएगा, जो भी वीडियोस हो उसको आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा, ठीक है? तो मुबारक हो, मुझे लगता है इससे गुड न्यूज़ रियली आप सभी के लिए कि आपके बीएड का डेट शीट आ गया। मस्त तैयारी करिए, मस्त पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट आपके विश्वविद्यालय के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, जान के खुशी होगी। तो ये रहा फर्स्ट ईयर का डेट शीट, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा आपका सेकेंड ईयर का डेट शीट, सॉरी ये आपका फर्स्ट ईयर, मैं भी कन्फ्यूज हो गया, ये आपके फर्स्ट ईयर का डेट शीट जो कि 8 तारीख से पेपर स्टार्ट होना है, और ये आपके सेकेंड ईयर की डेट शीट, इनका भी 8 तारीख से इवनिंग शिफ्ट में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का पेपर होना है, 3 घंटे का पेपर होना है। कैसे पेपर होगा, क्या बहुत फॉर्मेट होगा, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी, आपको क्या करना है, जम की तैयारी करनी। दोस्तों, मैराथन वीडियो सब आएंगे, अब इतना टाइम नहीं है कि 1 बाय 1 टॉपिक करके पढ़ेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हमारे पास अगर हार्डली हम डेट की बात करें कितना दिन बच गया है, तो आज यूँ समझ लीजिए इसमें 8 दिन और 8 दिन उधर, मुश्किल से आपके पास 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आपके पास सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 में 1 में 6 और लगभग आपके 15 से 16 यूनिट यहाँ हैं। ठीक वैसे ही अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट लगभग आपके पास 25 यूनिट है। मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं आपको थोड़ा सा पार्क दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करूँगा जय हिंद जय भारत बोल के। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा टूर करा दूँ। अगर अच्छा लगा हो तो कहना कि मैं डेली यहीं से वीडियो बनाया करूँगा, ठीक है? सो ओके, बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।